वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात का टाइम है, करीब 11:30 बज रहा है। मायके में ही हूँ मैं, और मायके आए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं, और दूसरे दिन की रात का टाइम है ये। मैं ये बड़ा सा जो ट्रंक होता है, बक्सा होता है, उसको लगा रही हूँ। ये बक्सा जो है, इसमें सारा सामान भरकर जाएगा वहां पर, जो भी जरूरत के सामान है वो, और दुल्हन को जो सामान जा रहा है, साड़ी वगैरह, लहंगा वगैरह, वो सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको दुल्हन का लहंगा दिखाने वाली हूँ, यानी हमारी होने वाली जो भाभी है उनका लहंगा जो चढ़ाए में चढ़ेगा वो दिखाऊंगी मैं। फिलहाल तो ये उसका ब्लाउज है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे मेरी बहन है, वो बैठी है, सब चीजें रख रही है। उसके बाद अभी मैं पूरा ट्रंक का जो बक्सा है वो लगाऊंगी। इसमें मुझे वो दिखा रही थी कि ब्लाउज का गला बहुत ज्यादा डीप हो चुका है, तो मैंने बोला आजकल डीप चल रहे हैं तो अच्छा लगेगा उन पर, तो ठीक है जैसा भी है। तो बन गया है तो बन गया है। और ये वाला जो ब्लाउज है, ये दूसरी साड़ी का है जो चढ़ाई में चढ़ेगी, और ये साड़ी पहनकर वो विदा होंगी। तो ये वो है। तो सारी तैयारी की जा रही है कि कौन साड़ी मतलब विदाई में पहन के आएंगी, क्या क्या तरीके से दी जानी है। जब मंडप पे बैठते हैं तो पंडित जी मांगते हैं कि ये रस्म की, अब ये साड़ी आई है तो किसको क्या देना है। तो मम्मी भी बैठी हुई है, मेरी बहन भी बैठी हुई है साथ में, तो हम लोग तीनों लोग मिलकर सब कुछ बातें बातें करते हुए इस बक्से को लगा रहे हैं। कुछ साड़ियां लगती हैं देने के लिए, दुल्हन के लिए तो जाती हैं, और भी बहुत सारा सामान जाता है जैसे कि पंडित जी बताते रहते हैं। वहां पर पूरी विधि विधान से शादियां की जाती हैं, तो वो सारी रस्में तो निभानी ही है। यहाँ पे मैं पूछ पूछ के मम्मी से वो सारा सामान रख रही हूँ जो वहाँ पे जरूरत होगी। कुछ चीजें हैं जो भूल जाती हैं, मम्मी भी नहीं बता पाती हैं, मतलब दूसरे दिन याद आती है तो बताती हैं। तो मैंने बॉक्स को इस तरीके से लगाया है कि कभी भी कोई चीज जरूरत पड़ जाए तो उसमें रखने की जगह हो। तो यहाँ पे एक एक करके मैं लगा रही हूँ, और नंबर वाइज नंबर लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि पंडित जी ने कोई चीज मांगी, किस विधि किस रसम में क्या चीज पहले लगी, कौन सी रसम पहले होगी, उसके तरीके से पूरा ये जो बक्सा है वो मैं लगा रही हूँ कि पहली ये रसम होगी तो यहाँ पे ये सामान निकाल के देना पड़ेगा, तो ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जाते ही वहां पहुंचते ही हमको दुल्हन के पास लहंगा भेजना है, क्योंकि जो भाभी है होने वाली वो लहंगा पहनकर जयमाल करेंगी, तो इसलिए सबसे पहले वो भेजनी है। और जितनी ये साड़ियाँ हैं गाइस, सारी साड़ियाँ ऑसम, कलर तो इतने प्यारे प्यारे हैं, एकदम यूनिक कलर आप देख रहे हैं। ये वाली जो चुनरी थी मुझे बहुत पसंद आई, और भी जो साड़ियाँ हैं सारे के कलर बहुत प्यारे, खिले खिले हुए कलर हैं, और काफ़ी हैवी साड़ी हैं। और जितनी भी साड़ियाँ हैं वो मेरे भाई की पसंद की हैं, और मेरी जो भाभी होने वाली है आई थिंक उनको भी दिखाया गया था, शायद उनकी भी पसंद है, आई डोंट नो। मुझे आए हुए 2 ही दिन हुए, मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन से पूछती जा रही हूँ कि ये साड़ी कब लगनी है, तुम किस तरीके से लेकर आई हो, कि कौन सी पहन के उन्हें आनी है, कौन सी किसको देनी है, और किसका ब्लाउज बना है, किसका नहीं, किसके पेटीकोट रखे हैं या नहीं। एक्चुअली सारी साड़ियों के पेटीकोट ले आई थी मेरी बहन, तो सारी साड़ियों के पेटीकोट हैं। 2 साड़ियों के ब्लाउज सिले, एक साड़ी का ब्लाउज सिला हुआ है और एक लहंगे का ब्लाउज सिला हुआ है, क्योंकि ये लहंगा पहनेंगी और साड़ी वो पहन के आएंगी। यहाँ पे ये एक सूट लगाया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि मांग भराई की रस्म एक कुंवारी लड़की करती है, तो उसके लिए सूट रख लिया गया है, और बिछा दवाई भाभी करती हैं और या बुआ करती हैं, ऐसे कुछ होता है। बताना आप लोग कि आप लोगों के यहाँ कौन करता है बिछा दवाई की रस्म। तो एक उनके लिए साड़ी रख ली है, और एक पैंट शर्ट का कपड़ा रखा था, क्योंकि धान बुवाई पे भाई करता है, यानी लड़की का भाई धान बुवाई करता है, तो उसके लिए उनके लिए मतलब एक पैंट शर्ट का कपड़ा रख लिया है। और माइंड मत करना गाइज, काफ़ी अंधेरा था रूम में, अंधेरा क्या मतलब लाइट एक जल रही थी जो कि इतनी अच्छी रोशनी नहीं दे रही थी। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं जहाँ रहती थी सीधापुर में,
तो अपनी व्यवस्था करके रखती थी, दो चार लाइटें जलाकर, ताकि वीडियो अच्छे बने। और यहाँ पर ना लाइट कम है इस वाले रूम में, और इसी रूम में सारा सामान रखा जा रहा था, स्टोरेज बना हुआ था। और ये है मेकअप किट, इसको ना खोल के मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने देखा था इसको खोल के सारा जो सामान है। एक तो नंबर वन ब्रांड का है, क्योंकि मैंने खुद बोला था आप छोटा सामान दो लेकिन ब्रांड का दो, क्योंकि नुकसान नहीं करना चाहिए। कोई भी केमिकल की चीज़ दे दो या बेकार सी दे दो तो वो यूज करेंगे तो खराब लगेगा, उनको नुकसान पहुंच सकता है स्किन को। तो सारी जो चीज़ें थी इसमें वो केमिकल फ्री और अच्छे प्रोडक्ट थे। सुंदर सुंदर चीज़ें थी इसमें, अच्छी चीज़ें, रिवेन, क्लिप, बिंदी के पत्ते तो बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। तो काफ़ी कुछ सामान था इसमें, तो देख सकते हैं आप बक्से में काफ़ी सामान लग चुका है। और ये है वो पटका जो कि गठजोड़ा बोलते हैं, जिसको बांध कर फेरे लिए जाते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा। तो मैंने मम्मी से बोला कि ये कॉटन का क्यों, टेरिकॉट का क्यों लिया, कॉटन का या मलमल का चाहिए होता है। और ये है सिंदूरा वगैरह जो लगता है, एक मटकी में रखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं एक पन्नी में करके इकट्ठा करके रख दे रही हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तो वो पंडित जी निकलवा लें। ये है चूड़ियाँ, कचहरा बोलते हैं हमारे यहाँ, ग्रीन लगता है। पूरा ट्रंक भर चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा जगह बाकी है। जो जरूरत चीजें मुझे पता थी वो तो मैंने रख दी है, आगे कुछ काम मतलब सामान मतलब रखना होगा तो जगह है तो रख जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दक्ष को। तो ये है अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम। बाबू दक्ष, देख कर आद्या लड्डू गोपाल। अभी कर रहा है, अरे नहीं बेटा नहीं, बाय है। अब बारी आ गई है दुल्हन का लहंगा दिखाने की, तो चलिए दिखाती हूँ लहंगा। तो ये देखिए लहंगा जो है वो स्टिच होने गया था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई थी। ब्लाउज का स्टिच होके आ गया था, लहंगा नहीं आया था। तो लहंगा दूसरे दिन सुबह आया है, और ये देखिए लहंगा रेड कलर का है और वेलवेट का है। तो जो मेरा कैमरा है वो क्वालिटी थोड़ी इसकी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ये ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है। और मैंने कैमरे की लाइट जलाना भूल गई थी, तो अभी मैं आपको कैमरे की लाइट जला कर भी बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा है, वेलवेट कपड़े में है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और जब राखी और आशीष लहंगा लेने गए थे कानपुर में, तो मैंने वीडियो कॉल में देखा था, तो मैंने ही ये वाला चूज किया था। एक्चुअली और भी थे उसमें, कुछ ज्यादा ही एम्ब्रॉयडरी थी, मतलब गुथा गुथा सा लग रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन ये वाला मुझे परफेक्ट लगा था, तो इसलिए मैंने बोला था कि हाँ ये ले लो। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपको ये कैसा लगा है जरूर बताना, तो जब मेरी होने वाली भाभी पहनेंगी इसे तब तो आप देख ही लोगे वीडियो में। तो ये देखिए इस तरीके की किट में आया था और इसको इस तरीके पैक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने लाइट जलाई है कैमरे की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस रंग का है और कितना प्यारा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक करना, शेयर कर देना मेरे चैनल मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरा 50K होने वाले हैं, मुझे 50K तक जल्दी से पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।